सर, कल दो आदमी आए थे, सुबह निकले ही नहीं, ताला तोड़ के देखा तो अंदर खून ही खून। दोनों मरे हुए? नहीं सर, एक गोली मारी है सर। सर ये फोटो तो दिल्ली में लाल किले में खींची गई है। जो आदमी पीछे खड़ा है ये लाल किले में गाइड वाइड होगा, तो चलो लाल किला, इस आदमी को ढूंढते हैं। लो भाई, दिल्ली तो आ गए, अब वो गाइड मिलना चाहिए। लाल किला सजाया जा रहा है सर, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। हाँ वो तो है, वहां पे काफी भीड़ दिख रही है, गाइड वहीं हो सकता है। चलो फैलते, एक एक से पूछताछ करो। सर हेलो सर, नमस्ते सर। देखो जरा क्या हुआ सर। देखो तो सही, इसे बता ये कौन है। नहीं जानता सर। नहीं जानते? नहीं, गाइड चाहिए सर, गाइड। थैंक यू सर। सर पोस्ट कार्ड देखिए सर, पोस्ट कार्ड। हाँ सर देखेंगे, एक मिनट, पहले तुम्हारी शक्ल देख लेने दो। अच्छा देखो, इस आदमी को जानते हो? गाइड है शायद यहाँ पे। नहीं सर, है तो लाल किला सर, पर इसको कभी नहीं देखा सर। इस आदमी को नहीं देखा? नहीं सर। इस आदमी को देखा? हाँ नहीं। नहीं पे काम करते ना? हाँ सर। सर एक फोटो सर। यस सर। एक मिनट। जी सर। ओके, इस आदमी को देखा कभी? नहीं सर, कभी नहीं देखा। क्या बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है? नहीं सर, कभी नहीं देखा। ये देखिए मैम, ये एल्बम देखिए। अरे वो सब छोड़ो, पहले इसे देखो, इसे पहचानते हो तो? नहीं, कौन है आदमी? ये गाइड ही है, यहीं पे तुम्हारे साथ काम करता है। गाइड? गाइड सर, लाल किला देखना है सर। लाल किला भी देखना है और जरा पीछे भी देख लो। जी सर। क्या हुआ सर? है तो थोड़ी। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक मिनट, आराम से जरा फोन कर लेता मैं। हाँ सर, सर मिल गया सर। हाँ सर, यहाँ पे पीछे पीछे एक। क्या हुआ सर? कुछ नहीं बेटा, अभी पता चल जाएगा। ये पे काम करते ना? जी सर। गाइड है? जी सर। ये तो यही लगता है, यही है बस। जी सर। आदमी को पहचानते हो तुम? अरे ये तो मेरी फोटो है सर। और ये दूसरा आदमी, ये कौन है? इसको क्या हुआ सर? इस आदमी का खून हो गया है, समझे? खून सर? आप लोग कौन है सर? हम लोग CID से। CID? सर इस आदमी के साथ एक और आदमी था सर। कौन था वो? सर ये तो नहीं पता, लेकिन जब ये फोटो ले रहे थे तो उनका सामान मैं पकड़ा हुआ था सर। अच्छा फिर? सर थैले में आदमियों की खोपड़ियां थी सर। आदमियों की खोपड़ियां थैले में? जी सर। क्या बात कर रहा है, असली खोपड़ियां थी? नहीं सर, नकली, छोटी छोटी सर। ये जो जिस थैले में उसने रखा था वो थैला कैसा था, प्लास्टिक का था? जी सर प्लास्टिक का था सर। उसमें कुछ लिखा था, दुकान का नाम, कुछ भी? नहीं सर। सर वो थैले में इतनी सारी खोपड़ियां लेके घूम रहा है तो कहीं आसपास से खरीदा होगा, नहीं तो यहाँ लेके क्यों घूमता? वही तो। ये बताओ ये नकली खोपड़ियां यहाँ आसपास कहाँ पर मिलती है? सर सामने चांदनी चौक है, वहाँ किनारी बाजार है, वहीं पूछ लिए सर। किनारी बाजार? अरे यहाँ पर तो पराठों की खुशबू आ रही है, सुना है पराठे वाली गली यही? सर खाएंगे सर, आलू के। नहीं नहीं अभी जी, भले वो दुकान ढूंढो, वो अजीब चीजों वाली दुकान। यहाँ पे चारों तरफ राखियां ही लगी, वो खोपड़ी वोपड़ी मिलेगी क्या? आगे देख लेते हैं, चलो। सर मार्केट में काफी चहल पहल दिख रही है, काफी भीड़ भाड़ है। जो मार्केट ज्यादा चलती है वहां भीड़ भाड़ तो रहेगी। अभी जरा पूछ लो किसी से। सर भाई साहब ये बताइए, ये जो सामान आपके यहाँ लगा हुआ है इतना अच्छा चमकता हुआ, इसके अलावा कोई ऐसी दुकान है यहाँ पे जहाँ पे कुछ अजीब सा सामान मिलता? अजीब सा सामान मतलब ऐसा चमचमाता हुआ नहीं, कुछ अजीब सा सामान, खोपड़ी वोपड़ी?
वो सर वहाँ वहाँ आगे दिख रहा है सर, वो है, ये है अभिजीत सर, यही है सर, यही दुकान है, वो देखो सर वहाँ वहाँ पे कुछ दिख रहा है। नमस्ते। नमस्ते, आइए सर, क्या चाहिए सर? जरा बताइए, इस तरह का सामान बेचने वाला क्या ये यही एक दुकान है या यहाँ पे और भी कोई है? साहब इस पूरी मार्केट में यही दुकान है, जितना भी टेढ़ा मेढ़ा सामान है ना यही मिलेगा साहब, बताइए क्या चाहिए? इस आदमी का पता। कौन है? कुछ दिन पहले इस आदमी ने आपके दुकान में से कुछ सामान खरीदा था, जरा याद करो। याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है। वेरी गुड, क्या क्या याद आ रहा है? साहब इसके साथ एक आदमी और था और मेरी दुकान से ये खोपड़ियां खरीद के ले गए थे, हाँ ये वाले। पर हुआ क्या साहब? इस आदमी का खून हो गया है। खून? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कुछ और याद आया? उसके पास सामान काफी था सर, और कुछ तो वो हाथ में ले गया था और बाकी घर पे भिजवाया था साहब। घर भिजवाया था? तो आपके पास इसका एड्रेस तो होगा ना? हाँ होगा साहब। अरे छोटू, अरे जरा डिलीवरी बुक दे भाई। ये साहब, ये रहा एड्रेस। इस आदमी का नाम संजय है, एड्रेस है 13/16 कूचा तारा चंद, दरियागंज सर। दरियागंज? कहिए क्या बात है? ये संजय का घर है। हाँ क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से। क्या संजय मिल गया? हमें एक लाश मिली है। क्या? शायद वो लाश संजय की ही है। संजय की लाश? ये क्या कह रहे हैं आप? संजय का खून हो गया। क्या हो गया है भाभी? संजय का खून हो गया है। भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला? हमें एक फोटो भी मिली है लाश के साथ में, तो मुंबई से पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। मुंबई से? लाश मुंबई में मिली? जी हाँ। पर मुंबई कैसे पहुंच गया वो? देखिए हम लोग भी यही ढूंढने आए हैं यहाँ कि हुआ क्या है, उसे मारा किसने? ये है वो फोटो। ये? जी हाँ। आपको शर्म नहीं आती है? एक मौका दे मेरे के चिट्ठी का बदला दो आप लोग। अरे प्लीज एक मिनट। ये मेरा बेटा नहीं है। अरे क्या? तो ये कौन है? ये तो दिनेश है, संजय का दोस्त। ओ, और संजय वो कहाँ है? वो भी 3 दिन से गायब है। एक पार्टी में गया था, वहां से लौट के नहीं आया। पार्टी? कौन सी पार्टी? मेहरौली में पार्टी थी एक फार्म हाउस में, ये दिनेश भी था उसके साथ। दिनेश भी था? पार्टी के लिए मेहरौली गया था सर और पहुंच गया मुंबई। मैंने वहां जाके पूछा भी, लेकिन वहां पे एक आदमी कह रहा है कि यहाँ पे पार्टी हुई नहीं। क्या? पार्टी हुई नहीं? आप हमारे साथ चलिए, दिखाइए कहाँ है वो फार्म हाउस। अंकल जी, वो लड़का संजय का दोस्त था, आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ रहता है? इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी।
जब से संजय की दोस्ती हुई इस लड़के के साथ, दिनेश दो तीन बार आया था इस घर पे, लेकिन कौन जाके देखता है कि दोस्त कहाँ रहते हैं। वो लड़का आपके भतीजे का दोस्त है, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का किस तरीके का था? नहीं सर। कमाल है सर, गया वो पार्टी में फार्म हाउस पे, पहुंच गया मुंबई। एक काम करो अभिजीत, तुम और दया जनपद जाओ, उस दुकान में जाओ जहाँ पर ये लड़का काम करता था और उसके बारे में पता लगाओ। तब तक मैं और अंकल जी उस फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर पार्टी हुई थी, देखते हैं क्या हुआ था वहाँ पर। अभिजीत, इन दुकान वालों को फोटो दिखा के पूछ लेते, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सुनिए भाई साहब, आप ये फोटो देखिए, या कोई आसपास ये आदमी कहीं काम करता था, देखा इसे? आगे देखो साहब। सुनिए भाई साहब, इस आदमी को यहाँ आसपास किसी दुकान में देखा, यहाँ पे काम करता था? हाँ, आगे जूते चप्पल और हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, वहीं पे देखा उसको। ये एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा देखिए, ये लड़का आपकी दुकान पे काम करता था? अच्छा अच्छा, आप दिनेश के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ दिनेश, ये आपके ही काम करता था ना? क्योंकि पैसे वैसे लेके भाग गया क्या? नहीं नहीं, पैसे लेके नहीं भागा। देखिए साहब, पहले वो यहाँ काम करता था, अब यहाँ से तो वो काम छोड़ गया है, अब पता नहीं वो कहाँ है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। नहीं, वो कहाँ है वो तो हमें मालूम है। तो फिर यहाँ क्यों आयो भाई, उसी के पास जाओ ना। हमें उसके घर का पता चाहिए। उसी से पूछो जाके। उसका खून हो गया। खून? जी हाँ, किसी ने उसका खून कर दिया मुंबई में, हम लोग CID से। देखिए, हमें उसके घर का एड्रेस चाहिए, आपको मालूम है? देखिए साहब, उसके घर का तो मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कोई फोन नंबर वगैरह है उसका? हाँ हाँ, उसके भाई का मोबाइल नंबर है, अगर कहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ। हाँ दीजिए। 100789 789। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से, CID मुंबई। दिनेश आपका भाई है ना, उसके बारे में कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हो? हाँ, कहाँ पे मिलोगे? ओके, तुम वहां पहुंचो, हम लोग मिलते हैं, वो कनॉट प्लेस में मिलना चाहता है। चलो, शुक्रिया। यही है वो फॉर्म? हाँ यही है, मैं दो बार यहाँ पे आ चुका हूँ। इसी आदमी ने भराया तुम्हें यहाँ से? हाँ यही है, यही आदमी। हेलो सुनो, अबे तू तो फिर आ गया यहाँ पे, अरे बड़ा ही अजीब आदमी यार तू। कह दिया ना एक बार कि यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई है? हुई है, पार्टी यही पे हुई है। भाग जा यहाँ से, भाग जा, ना तुझे टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, भाग जा, और पुलिस के भी हवाले कर दूंगा, भाग जा। ले भाई, पुलिस खुद ही चल के आ गई तेरे पास। हेलो, कौन है? CID मुंबई से आए। CID? जी हाँ CID, हम खुद पता लगाने आए कि यहाँ पार्टी में हुआ क्या है। अरे अरे, तुम कहाँ पीछे जा रहे हो, जरा इधर आओ, अरे इधर आओ तो सही। मगर यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी हुई नहीं है, पागल हो गया यो। पकड़ो उसे। ए रुक जा। पार्टी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए भागा जा रहा है वो।
सांप ने काट लिया, सर इसे सांप ने काट लिया सर। अच्छा सर, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। काशा रास्ते में पूछ कर देखना, कुछ बताए तो फोन करो मुझे। यस सर। जाओ। संजय कहाँ है? कहाँ है मेरा संजय? हाँ, हम लोग कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं। अच्छा, हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, बाहर आगे ही बैठ कर बस। कहीं यही तो नहीं जो सामने खड़ा है? कपड़ों से तो यही लग रहा है। पूछ लेते हैं। तुम दिनेश के भाई हो? जी साहब। कहाँ है दिनेश मालूम है? पता नहीं साहब, जब से वो उस लड़की के चक्कर में पड़ा है ना, उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हमसे, यहाँ तक कि दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ दिए साहब। कौन कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? मोनिशा की बात कर रहा हूँ साहब। बहुत तेज लड़की है साहब। अरे आदमी को खड़ा खड़ा बेच कर खा जाए। मेरे भाई को भी ना जाने उसने क्या घुंटी पिला दी कि बस दिन रात वो उसी ये गीत गाने लगा। और साहब रातों रात ना जाने कहां से उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। कोई गलत काम वगैरह तो नहीं करता था तुम्हारा भाई? नहीं नहीं साहब। मुंबई क्या करने गया था वो? मुंबई? हाँ मुंबई। मुंबई के एक लॉज में किसी ने खून कर दिया उसका। किसने किया मेरे भाई का खून? वही पता करने के लिए हम लोग मुंबई से दिल्ली आए हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं नहीं साहब, जहां तक मुझे पता है उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं तो फिर खून किसने कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो लड़की है मोनिशा, ये कहाँ रहती कुछ मालूम है? इसका एड्रेस मालूम है तुम्हें? सर वो रेलवे म्यूजियम में जाती रहती है, वहीं पर मिल सकती है आपको। रेलवे म्यूजियम? वहां पर क्यों? अक्सर वहीं जाते रहती है ना साहब, मेरा भाई दिनेश भी तो उससे मिलने वहीं जाता था। अच्छा, कहीं इस लड़की ने तो खून नहीं कर दिया तुम्हारे भाई का? हो सकता है साहब, बिल्कुल हो सकता है। बहुत तेज लड़की थी साहब, उसी ने मर्डर करवाया होगा उसका। क्या हुआ सर? यहाँ पर कवर है सर। एसीपी साहब बोला जल्दी से। यस सर। जल्दी वहां पे सर। सर लाश है सर। लाश? निकल लाश को बाहर निकाल जल्दी। हाँ तो सर हॉस्पिटल पहुंच गई। कैसा है वो? मर गया? निकल बाहर जल्दी, संभाल के संभल के सर। कोई सर चाकू मारा है सर, ऐसा लगता है। हाँ खोलता हूँ सर। Oh!
सर ये कुछ स्केच जैसा है। बंगाल नागपुर रेलवे। अभिजीत अगर ये लड़का यहाँ पे काम करता था तो किसी ना किसी काम से तो गया होगा ना मुंबई। हाँ ये बात तो है। यस सर। हाँ अभिजीत, संजय की लाश मिली है फार्म हाउस पे। संजय की लाश मिली है फार्म हाउस पे? हाँ सर, मुझे भी शक था। उस फार्म हाउस में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। हाँ सर, ये लड़का दूसरे वाले लड़के के साथ गया मुंबई और मरा यहाँ दिल्ली में। दिनेश नाम है सर उसका। तो वो जिस दुकान में काम करता था वहाँ गए थे हम लोग। अच्छा, उस दुकानदार ने बताया कि उसने कुछ दिनों से काम पे आना बंद कर दिया सर। फिर? और उसके भाई ने बताया कि वो किसी मोनिशा नाम के लड़की से प्यार करता था। मोनिशा? हाँ सर, और वो दिनेश मोनिशा से रेलवे म्यूजियम में मिला करता था। रेलवे म्यूजियम? रेलवे म्यूजियम में ही क्यों? हाँ सर, हमने भी वही पूछा है कि रेलवे म्यूजियम में ही क्यों। केस फंसता ही जा रहा है अभिजीत, केस फंसता ही जा रहा है। फार्म हाउस में एक पार्टी हुई, वहां पर एक खून हुआ। उसी पार्टी में से दो लोग मुंबई गए, उनमें से एक का खून हो गया और दूसरा भाग गया। और जिसका खून हुआ वो यहां आता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। यही एक जगह बची थी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। और ऐसे भी नहीं कि वो लोग चोरी छुपे मिल रहे थे। दिनेश के घर वालों को मालूम था कि उस लड़की से मिलता था, तो फिर वो यहां आके ही क्यों मिलता था? क्या नाम बताया उसका? सर मोनिशा। मोनिशा? दिनेश के भाई ने भी यही बताया था सर, लड़की बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। जैसे इसकी दोस्ती हुई, दिनेश ने अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। अच्छा? हाँ सर। तो कहीं इस लड़की ने तो खून नहीं करवा दिया दिनेश का? सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। एक मिनट अभिजी, एक मिनट। ये क्या है अभिजीत? ये देखो शील। हाँ शील, ऐसा ही स्केच संजय की जेब में से मिला है। जरा स्केच दिखाना तो। यस सर। बंगाल नागपुर रेलवे BNR। सर संजय की जेब से ट्रेन का स्केच मिला। दिनेश भी यही आता था सर। इन सब का आपस में कोई ना कोई चक्कर है। वही तो, एक पुरानी ट्रेन की शील्ड का स्केच संजय की जेब में क्यों? सर सर यहाँ पे किसी ना किसी ट्रेन के ऊपर ये वाला शील्ड बना हो सकता है, तभी तो पॉकेट में लेके घूम रहा था ये। हाँ इस ट्रेन में ही कुछ होगा अभिजीत। ढूंढो ढूंढो कहाँ है ये शील्ड सर, ढूंढो।
साहब आ गया। कुछ मिला क्या? हाँ ये देखिए सर, ये बैग यहां पे छुपा के रखा हुआ था। हाँ अच्छा, उसे लगा होगा इस सड़े हुए इंजन में छुपा के रखेंगे, किसे पता चलेगा। है? ये नोट नकली है सर। नकली है? नकली है? अभिजीत जल्दी से छुप जाओ, कोई ना कोई मुर्गा आएगा ही पैसा लेने के लिए। मेरे पैसे कहां गए? क्या हुआ, नोट ढूंढ रहा है? अबे रुक, अबे रुक। छोड़ो मुझे, पैसे निकल नहीं जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण। यहाँ किस लिए आए थे? मैं तो अपने पैसे लेने आया था। ये तेरे पैसे हैं? तू भी मिला हुआ इस नोटों के चक्कर में? ये तो मेरे काम के पैसे थे। किस काम के पैसे? मालूम नहीं। पैसे लेने आया था मगर मालूम नहीं किस काम के पैसे है वो? हाँ नहीं नहीं मालूम। बोल किस काम के पैसे है वो? खून किए थे मैंने। तूने खून किए थे? किसका? संजय का और दिनेश का। तो तूने खून किए उनके? हाँ। क्यों किया खून? मुझसे कहा गया था। किसने कहा था? मालूम नहीं मेरे को। मालूम नहीं? किसने कहा था मालूम नहीं और खून कर दिए? वाकई मुझे मालूम नहीं है साहब, मुझसे कहा गया था कि खून करो और पैसे यहाँ पर आकर ले लो। लाइफ की कोई कीमत नहीं रही, दो दो खून कर बिना किसी बात। और सर उसे पता भी नहीं कि उससे खून किसने करवाया। और तो और जिसने उससे खून करवाया उसने उसे पैसे दिए वो भी नकली। हाँ, हमें इस नकली नोटों का रैकेट किसी भी तरह रोकना ही चाहिए। सर पिछले साल हमने जो नकली नोटों का रैकेट फोड़ा था उसमें जो सबसे पहले खबर आई थी वो खबर इसी खबरी ने दी थी जिसे हम मिलने वाले हैं। वो आएगा क्या? इतने सारे खून हो रहे, कहीं डर के मारे भागने जाए? आ गया तो अच्छी बात है, उसे कोई ना कोई खबर तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ खबर जरूर देगा। वो खड़ा है, विवेक दूसरी तरफ जाके से बात कर। यस सर। देखो प्यार से आराम से। हैं यस सर। सर ने भेजा मुझे।
कहाँ है वो? मैं गाड़ी में। खुद के लिए है? आइए साहब, आइए। बोलिए साहब, चलो उस तरफ से। साहब, बहुत खतरा है साहब। देख टोनी, नकली नोटों का चक्कर फिर से शुरू हो गया, समझे? कहीं इसमें तेरा हाथ तो नहीं? नहीं साहब, मैं उस सब से निकल चुका हूँ। फिर भी कुछ तो पता होगा। एक आदमी है साहब जो कभी कभी 15-20 नोट चला देता है। कौन है वो? सरोजी नगर में ढूंढो साहब। नाम तो बताओ उसका। सर आइए, आइए। क्या लेंगे आप सर? दे सर, गले के दो हार ले लो, बड़े बड़े, और दो अंगूठियां। हैं? ठीक है सर। सर, दो अंगूठियां जो है लेडीज के लिए चाहिए, जेंट्स के लिए? वो जो दे, एक मिनट, दो अंगूठी जेंट्स की दे दे, दो लेडीज की दे दे। ओके ओके सर। सर ये दो मैं अपने लिए ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं? अरे सर वो है ना अपने वो नोट्स। अरे कौन सी नोट सर? वही जो वो जो नकली नोट्स है हमारे पास। नकली नोट? आप लोग मुझे फंसाएंगे क्या? क्यों, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? आप लोग है कौन? सीआईडी। सीआईडी? ए, भागने की कोशिश करेगा यहीं पे दोनों टांगे तोड़ दूंगा, समझा? सर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे। देख तेरी गर्दन पकड़ के यहाँ से बाहर घसीट के लेके जाऊंगा, मार्केट में सबको पता चल जाएगा तू क्या है, समझा? एक लड़की है सर। नाम क्या उसका? नाम मुझे मालूम नहीं, वो कुतुब मीनार में मिलेगी। अब तक इस केस में एक ही नाम सामने आ रहा है और वो है मोनिशा। मतलब ये जो लड़की के बारे में बता रहा है, ये जो नकली नोट बेचती है, ये कहीं मोनिशा तो नहीं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सर अब यही मान के चलते हैं कि मोनिशा ही हो सकती है। देखो अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ भी आ सकती है। मतलब सर यहाँ आने वाली सब लड़कियों से पूछना पड़ेगा कि वो मोनिशा है कि नहीं? बिल्कुल अभिजीत, मौसम देखो और बात कर लो, फोटोग्राफर बन जाओ, टूरिस्ट गाइड बन जाओ। टूर गाइड। कुतुब मीनार की यादगार, बेस्ट फोटो मैडम, बेस्ट फोटो। आप मेरा एल्बम देख लो और देखिए मनीषा की कितनी अच्छी फोटो खींची है मैंने। मनीषा? हाँ मनीषा। कौन मनीषा? रेडी, अभिजीत को आखिरी बार कब देखा था तुमने कैमरा पकड़े हुए? शायद 5 साल पहले। अच्छा, बॉयफ्रेंड आ रहा है मेरा अभी, बताएगा तेरे को अच्छे से। अरे मैडम आप गुस्सा क्यों हो रही? आप मनीषा नहीं है? मनीषा के बच्चे। ठीक है भाई, सॉरी। मनीषा तो बहुत भारी पड़ रही है, इसने तो सैंडल निकाल ली सर। देखा माय गॉड, सर
वो लड़की देखो, काली ड्रेस वाली। यस सर। और एक बात है, वो 10 फुट पीछे एक लड़का भी आ रहा है, सफेद शर्ट पहना हुआ। नजर रखो, देखो क्या कर रहा है। ठीक है सर। आप यहां किसी से भी पूछ लीजिए, सबसे बेस्ट फोटोग्राफर कौन है, सब लोग मेरी तरफ उंगली उठाएंगे, मेरी तरफ। जाओ जाओ अपना काम करो। मैम ये तो मेरा काम है। जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगी ऐसे फोटोग्राफ्स की चुंगा, ना आप ये इस कुतुब को भूल पाएंगी और ना ही मोनिशा को। ये मोनिशा कौन है? मोनिशा? ओ मोनिशा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। मैम खींचू फोटो? गेट लॉस्ट। बहुत अच्छी खींचूंगा। गेट लॉस्ट। आप इससे पहले इतनी खूबसूरत कभी लगी नहीं होंगी मैम। गेट लॉस्ट। अच्छा, थैंक यू। नया सर भी पिट गए। वैसे अगर मैं वहां पे होता तो अच्छी एक्टिंग कर लेता। नहीं सर, ये नहीं है। एक और देखिए सर। अभिजीत, वो आसपास लोग दिख रहे हैं, देखो। अच्छा देखता हूं। मैम फोटो। किसी ने कहा था क्या? किसने? बॉस ने। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं नहीं जानती। क्यों? फोन मोन पे बात नहीं होती क्या तुम्हारी? नहीं, वो मिलता है। कहाँ पे?
क्या रही है? सिर्फ घूमते ही जा रही है। शायद नीचे कोई होगा सर। नजर रखो। सर वो नीचे गई है, अंदर गई है सर। हाँ सर। मैं जाऊंगा के? नहीं फ्रेडी, रुको जरा, इंतजार करते हैं। फिर से बाहर आ गई? हाँ, ये बाहर आ गई सर। सर फिर बाहर आ गई है, परेशान दिखती है। अच्छा, मतलब दाल पकने ही वाली है। बात करनी थी। अभी तो लिए थे 2,00,000 रुपए, सारे के सारे चला दिए। तू तो काफी होशियार निकली, दिन ब दिन काफी एक्सपर्ट होती जा रही है। थैंक यू। क्या हो रहा है विवेक? कोई छुपा हुआ है सर। कितने चाहिए? मैं ये कहने आई थी कि कहती क्यों नहीं? मैं और ऑर्डर नहीं दूंगी। क्यों? विवेक दिखा कौन है? नहीं सर, मुझे और नकली नोट नहीं चाहिए, अब मैं नहीं चला सकती। क्यों, क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है, शायद किसी को पता चल गया है। किसी से बात कर रही है सर। अच्छा विवेक, तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यस सर। किसको पता चल गया? मुझे नहीं पता। बताती क्यों नहीं, किसको पता चल गया? सर दिखाई नहीं दे रहा वो आदमी, पकड़े क्या? नहीं, ये न हो कि कोई मच्छर हमारे हाथ लग जाए और हाथ ही निकल जाए। देखते रहो अभिजीत, देखते रहो, शायद ये हमें किसी बड़े मोहरे तक पहुंचा दे। तू कहीं धोखा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, पर मैं अब नहीं मिलूंगी। क्या? तू धोखा देगी तो जिंदा नहीं बचेगी, मालूम है ना? भाग जा, यहां से भाग जा। कोई है क्या? हाँ। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा धोखेबाज। वो भाग गया, और उसे पकड़ो, वो भाग गया। पीछा करो। तो उसे शक हो गया मुझ पर। हाँ, बार बार पीछे देख रहा है। ठीक है, काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं उधर जाता हूं। ठीक है।
भाग गया यार, भाग गया कहाँ पे? इधर ही आया था, इधर ही। इस तरफ देखते हैं चलो। हाँ कमाल है, कहाँ घुस गया? अभिजीत वो यहाँ पहुंच गया, खरी बौली में, अभी अभी गली में से आया है वो। हाँ है मेरे सामने ही है वो, नजर रखे हूं मैं उस पर। विवेक को भेजो। ऐसे नोट छाप रहे। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम? हाँ कौन है वो? नाम सर बताओ। नाम सर, नाम मारोड़ी, मारोड़ी। नाम बताता है या बताओ? बताता हूँ कौन ये नोट छाप रहा है, बताता हूँ। आपको मेरा पता किसने बताया? है एक मच्छर जो भाग के खारी बावली के एक छत पे गया और एक झटका लगते ही गाना गाने लगा। गाना? मच्छर? मच्छर गाते ही हैं? हाँ
देशद्रोही मच्छर गाते हैं जैसे अब तू गाएगा। बोल, कब से चल रहा है ये नकली नोटों का व्यापार? बोल! है तो कई सालों से, पर पिछले एक दो सालों से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है? हमारा देश लूट रहा है और तुम लोगों को प्रॉफिट की पड़ी है? कहां छपते हैं नकली नोट्स? हाँ, कहीं भी छप रहा हो सर, आपको क्या फर्क पड़ता है? जितना चाहिए लेके जाओ। अच्छा, पड़ोस में छप रहे हैं सर, लाखों रुपए रोज आ रहे हैं बॉर्डर पे से। तीन तीन खून किए तुमने और नकली नोटों का धंधा भी। नकली नोटों का धंधा मतलब देश से गद्दारी, और देशद्रोह से बढ़कर दूसरा और कोई गुनाह नहीं है। देशद्रोह की सजा है मौत, मौत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।